हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर से एक संविधान का नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, और उस टॉपिक का नाम है संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ। इससे पहले आपको बता दें कि मैंने संविधान का जो संशोधन की जो तिथियाँ थी, इसके ऊपर जो वीडियो था, उसे मैंने अपलोड कर दिए हैं। और उसमें हमने क्या किए हैं कि कौन सा संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, इससे जानने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत बेहद इजी तरीके से आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम लोग स्पेशल देखेंगे संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ। यानी कि आज संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ कहने का मतलब है कि इसमें भाग भी है संविधान का और अनुसूची भी है। तो आज के वीडियो में स्पेशल हम लोग देखेंगे संविधान के कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग में कौन कौन से जो प्रावधान है वो किया गया, यानी कौन कौन से भाग में क्या क्या रोल दिया गया है, यानी भाग और उससे संबंधित जो विषय है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके ये जो विषय है, इसको अनुच्छेद कितना से कितना तक रखा गया, ये सारे प्रश्नों का डॉट आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर से। आपको पता है कि जिस समय हमारा संविधान बना था, यानी मूल संविधान में हमारे पास क्या 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 वस्तु थी, तो एक प्रस्तावना थी, यानी प्रस्तावना की संख्या एक, और जबकि भागों की संख्या 22 थी, और अनुच्छेद की संख्या 395, और अनुसूची कितना था, 12 था, ठीक है। कितना? एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद जिसको आर्टिकल बोलते हैं, और 8 अनुसूची, ठीक है। लेकिन यही बात अगर वर्तमान में करें तो प्रस्तावना तो एक ही रहेगा, भाग है जो 25 हो गया, लेकिन सांख्यिकी रूप से 22 ही है। भाग अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कितने भाग है, तो 25 है। लेकिन अगर हम क्रमांक नंबर से देखें, यानी 1 2 करके काउंटिंग करें, मेन नंबर को गिनती करें, तो 22 ही भाग है अभी भी। लेकिन कुछ पॉइंट उसमें जोड़ा गया है, इसीलिए उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, उस भागों को भी काउंटिंग कर लिया गया, यानी वो जो कुछ पॉइंट था उसे भी काउंटिंग करके उसकी संख्या 25 बढ़ा दिया गया। तो पहले 22, अभी वर्तमान में 25, सांख्यिकी रूप से 22। अनुच्छेद पहले 395 था मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में बात करें तो ये 465 है, लेकिन सांख्यिकी रूप से 395 ही है। जैसे होता ना, अनुच्छेद 51 का क भाग इतना का ये, यानी क ख ए बी ऐसे करके, ई भाग छठा, चौथा का भाग छः, ऐसे करके है ना। तो ये सारे पॉइंट को जब जोड़ लिया गया तो टोटल अनुच्छेदों की संख्या 465 हो गया। लेकिन अगर हम नंबरिंग से काउंट करेंगे 1 2 करके, मेन जो नंबर होता है वो, तो उसके अकॉर्डिंग ये 465 ही है अभी भी। लेकिन अनुसूची की बात करें तो पहले 8 था, अब है जो 12 अनुसूची है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए। चलिए तो अब लोग हम लोग फाइनल शुरू करते हैं अपना जो भारतीय संविधान के विभिन्न भाग एवं संबंधित जो विषय है इसके बारे में, और कौन कौन से अनुच्छेद में इसको रखा गया इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखिए, संघ एवं उसके राज क्षेत्र, संघ एवं उसके राज क्षेत्र का वर्णन कहाँ पे किया गया संविधान में, तो संविधान में भाग एक में कहा गया है, और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत है जो एक संघियों का क्या होगा, राज होगा, ठीक है। राज्यों का एक संघ होगा, सॉरी, संघियों का राज नहीं, भारत है जो एक राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब होता है देश, यानी बहुत सारे राज मिलकर एक संघ का निर्माण करता है। तो वही बात किया गया कि भाग एक में संघ और उसके राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है। लेकिन जब इसका अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 में, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और उसके राज क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद कितने में किया गया है, तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। जबकि भाग की बात करें तो भाग एक में इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, और आपको बताया था अभी कि 22 भाग है हमारे संविधान में, तो इस 22 भाग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि 22 भाग में कौन कौन से भाग में क्या क्या विषय दिया गया है, और उसका अनुच्छेद, उसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है, इसके बारे में हम लोग पूरे स्टोरी की तरह जानेंगे। बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
तो भाग दो में नागरिकता नागरिकता संबंधी जो बातें हैं वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा भारतीय संविधान में, तो ये मिलेगा आपको भाग दो में। जबकि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद एक से चार तक तो यहाँ, तो आप चार के बाद आएगा पाँच, यानी पाँच से लेकर ग्यारह तक में बात किया गया है नागरिकता का। यानी भारतीय संविधान में अगर हम नागरिकता को देखें तो नागरिकता का वर्णन भाग दो में और अनुच्छेद कितना से कितना, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में इसका वर्णन किया गया है। चलिए उसके बाद आता भाग तीन में मूल अधिकार। आपको पता है कि मूल अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णन किया गया है और भाग 3 में रखा गया है। तो अनुच्छेद कितना यहाँ पे, भाग 12 से लेकर 35, क्योंकि चार यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ, 11 यहाँ पे खत्म हुआ, 12 से यहाँ स्टार्ट होगा। आपको कॉन्सेप्ट की तरह समझते चलना, जहाँ ये लास्ट होगा यहाँ पे उसका शुरू, इससे एक प्लस करके यहाँ का शुरुआती होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि संघ एवं उसके राज क्षेत्र का वर्णन भाग एक में, अनुच्छेद एक से चार में, नागरिकता जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप, यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी सिंगल सिटीजनशिप। वही अमेरिका की बात करें तो डबल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के लोग एक तो जिस राज्य में वो रहता है उस राज्य का नाम पहले लेता है, उसके बाद एक कंट्री का नाम। लेकिन हमें एकल नागरिकता दिया गया, इसका मतलब क्या, तो हमें इसका मतलब ये समझना है कि एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हमारे भारत के जितने भी राज्य है उन सभी राज्यों में निवास करने वाले लोग केवल भारतीय है, ना कि वो जिस प्रांत में निवास करता है। जैसे हम बिहार के लोग हैं तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम बिहारी हैं, हम कहीं बाहर जाएंगे, हम अपने अलग राज्यों में, यानी कि हम अपने देश के विभिन्न राज्यों में जाएंगे तो हमें नहीं कह सकता बिहारी है, क्योंकि बिहारी हम नहीं हैं, हम केवल भारतीय हैं। ये मेरा गर्व से हम कह सकते हैं कि हम केवल भारतीय हैं, ये मेरा सिंगल सिटीजनशिप का ही देन है, यानी एकल नागरिकता। भारत के प्रत्येक नागरिक केवल भारतीय है, ना कि वो किसी प्रांत में, जिस जो प्रांत में वो रहता है उस प्रांत का दर्जा उसे दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन, वही अगर बात करें हम भाग 4 का तो भाग 4 में वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। आपसे प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कितने भाग, कितने में रखा गया, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अनुच्छेद कितना, तो 35 यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ पे बोले थे कि यहाँ पे खत्म हुआ उसमें एक प्लस करके इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, तो 35 में एक प्लस करते हैं 36, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में वर्णन किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। बात रहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया, लेकर जोड़ा गया, तो ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। तो कुछ जो एक्स्ट्रा भी पॉइंट बताते हैं उसे भी आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। उसके बाद आता है 4 का ए, यानी 4 का क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आपको बताए थे मूल कर्तव्य का पूरे वीडियो हम समाप्त कर चुके हैं, मूल कर्तव्य का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करा चुके हैं, तो आपसे ये ऐसा प्रश्न कभी छूट ही नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल इजी तरीके से बताएं। भाग 4 का क यानी भाग 4 का ए में वर्णन किया गया है मूल कर्तव्य का, और मूल भाग 4 के क में सिर्फ एक ही तो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 51 का क, ठीक है, इसका एक स्पेशल दर्जा दिया गया था कि भाग में, यानी हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को एक अलग दर्जा दिया जाए। ये सरदार स्वर्णसिंह समिति का एक अनुशंसा था कि इसे एक अलग संविधान के भाग में रखा जाए, इसीलिए इसके एक अलग भाग बनाया गया 4 के क और 51 के क, अनुच्छेद 51 के क में। बात रहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया, तो मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया था, ठीक है, रूस से लिया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, जिस तरीके से चार्ट बना रहे हैं उसी तरीके से आपको भी चार्ट बनाना है, और ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से संविधान संशोधन की तिथि के ऊपर भी बताए थे कि आप इसका क्या करें, एक चार्ट पेपर बनाए और जो रूप में आप ज़्यादा समय तक रहते हैं उस रूम में उसे चिपकाने की कोशिश करें, उससे क्या होगा आपको जल्दी माइंड में कवर हो पाएगा। तो आप जरूर ये काम करेंगे, इसमें भी इसी तरीके से एक और भाग लिख लीजिए, बीच में विषय और अनुच्छेद, तीन चीजों आपको ध्यान देना है, कितने भाग में है,
क्या है, यानी कौन सा वह है जो क्या है, यानी संघ एवं राज क्षेत्र कितने भाग में, भाग एक में, अनुच्छेद कितना, एक से चार में। तो इस तरीके से आप चार्ट बनाएंगे। तो फिर हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंटों को, फिर इसे आप लोग क्या करें, नोट करेंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा भाग चार के क तक, अब देखते हैं भाग पांच में क्या क्या जो व्यवस्थाएं वो किया गया। तो भाग पांच में संघ के बारे में वर्णन किया गया, संघ में जितने भी संस्थाएं हैं वो सभी के बारे में वर्णन किया गया। भाग पांच में संघ का वर्णन किया गया है। अब ये जो संघ का जो वर्णन है वो अनुच्छेद कितने में किया गया है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक वर्णन किया गया है द यूनियन का, अर्थात संघ का। ठीक है, अब संघ में पांच संस्थाएं होती है, क्या क्या पांच संस्थाएं होती है, कौन कौन इसको देखते हैं। और ये पांचों संस्थाओं का प्रावधान है, यानी पांचों संस्थाओं को संविधान में कितने आर्टिकल में रखा गया है वो जाने। तो ये पांचों संस्थाओं को तो सबसे पहले भाग पांच में रखा गया है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, चौथा संघ की न्यायपालिका, पांचवा है भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसको कैग भी बोलते हैं, CAG। ठीक है, अब ये देखिए कार्यपालिका का, ये तो हमने देखा कि भाग पांच का वर्णन किया गया अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो जिस तरीके से यहाँ हेडिंग देख रहे हैं संघ का, उसी तरीके से ये अनुच्छेद भी हेडिंग में है। अब पॉइंट पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ भी पॉइंट पॉइंट इसका अनुच्छेद को देखते हैं। जैसे कार्यपालिका का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। वही जब बात करें संसद का, तो संसद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। और ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ का वर्णन कहाँ पे किया गया, तो स्पेशली इसका वर्णन किया गया 123 में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ का वर्णन स्पेशली एक अनुच्छेद है 123, यानी 123 आर्टिकल नंबर में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ का वर्णन किया गया है। उसके बाद संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका का वर्णन किया गया है 124 से 147 के बीच में, यानी अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में संघ की न्यायपालिका। ठीक है, उसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी कैग का वर्णन किया गया है 148 से लेकर 151 तक में। ठीक है, तो ये भाग पाँच। उसके बाद हम लोग भाग छठा सतवा जितना भी 22 भाग है सभी के बारे में देखेंगे। भाग छः में राज का वर्णन किया गया है, यानी राज में कौन कौन से चीज़ें, जैसे भाग पाँच में देखे थे ना संघ के बारे में, यानी संघ में कौन कौन से संस्थाएं हैं, कौन कौन से जो अवधारणा है वो दिया गया। उसी प्रकार से राज में भी देखते हैं कौन कौन से संस्थाएं हैं और इसका वर्णन कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो जिस तरीके से बताए थे कि संघ में पांच तरह के जो संस्थाएं थी, उसी तरीके से राज्य में भी पांच छः तरीके का संस्थाएं हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि संघ का वर्णन का अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, यानी 152 से लेकर 237 के बीच में किया गया है वर्णन संघ का। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता साधारण, यानी जेनरल। जेनरल जो चीज़ें हैं इसका वर्णन कहाँ पे किया गया, तो इसका वर्णन स्पेशली अनुच्छेद 152 में किया गया। जबकि कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच में किया गया। राज का विधानमंडल की वर्णन, तो राज का विधान, राज्यों में विधानमंडल होता है, राज्यों में कार्यपालिका होता है, एक संघ की कार्यपालिका होता है, एक राज्य का कार्यपालिका, उसी तरीके से संघ का विधानमंडल और संघ का राज्य का विधानमंडल। तो राज्य का विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक में किया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, संघ वाले में हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, राज में हेड होता है राज्यपाल, तो इसीलिए राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ का वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया, तो अनुच्छेद 213 में किया गया है, स्पेशली 213 में। फिर उसमें हम लोग देख रहे थे राज्यों के लिए उच्चतम संघ राज में, यानी संघ क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का प्रावधान कहाँ पे किया गया, तो अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक में किया गया। उसके बाद राज्य में अधीनस्थ न्यायालय भी होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो
क्या बोल सकते हैं, स्थानीय न्यायालय भी जिसको कहते हैं, तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। भाग सात में क्या वर्णन किया गया है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान अधिनियम 1956, यानी राज्य संविधान अधिनियम 1956 किस वर्ष कब किया गया, तो सातवां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में किया गया था सातवां संविधान संशोधन। और ये इसके अंतर्गत क्या हुआ, राज्य संविधान अधिनियम 1956 की धारा 29 के द्वारा और अनुसूची द्वारा इसको क्या कर लिया गया, निराशित कर दिया गया। किसको, संविधान की पहली अनुसूची का जो भाग ख था उसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, तो संविधान के सातवें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया। कहाँ से, तो अनुसूची के ये जो पहली अनुसूची का जो भाग ख था उसको धारा 29 यानी 29 और अनुसूची द्वारा इसको निराशित कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। ठीक है, तो ये बात, ये जो कंडीशन हुआ पहली अनुसूची के भाग ख को कब हटाया गया, तो भाग ये भाग सात में इसका वर्णन किया गया है और 1956 में सातवें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। और ये बात कहाँ पे, अनुच्छेद कितना में वर्णन इसका किया गया, तो अनुच्छेद 238 में वर्णन किया गया। भाग आठ में संघ राज क्षेत्र का वर्णन किया गया, भाग आठ में क्या, संघ राज क्षेत्र के वर्णन में। जबकि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 का न में वर्णन इसका किया गया। भाग 9 का क में नगर पालिका का वर्णन किया गया, नगर पालिका का वर्णन अनुच्छेद 243 का त से लेकर 243 का य और छ तक वर्णन किया गया। इसको इंग्लिश में 243 को त को इंग्लिश में बात करें तो 243 को पी बोल सकते हैं इसको, और इसको 243 का जेड जी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 243 के पी और 243 का जेड जी में नगर पालिका का वर्णन किया गया, भाग कितने में, 9 का क में। 9 के ख में, भाग 9 के ख में सहकारी समितियां का वर्णन किया गया और इसका अनुच्छेद है 243 का य ज से लेकर 243 का य न। इंग्लिश में बात करें तो 243 का जेड एच से लेकर जेड टी तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद इसका क्या है, तो अनुच्छेद है इसका 244 से लेकर 244 का ए तक इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि भाग 11 में क्या क्या व्यवस्थाएं किया गया है और इसको आर्टिकल कितना में रखा गया है। तो भाग 11 में संघ और उसके राज्यों के बीच का संबंध बताया गया है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं हैं और उसे कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, इसे बताया गया है। तो संघ एवं उसके राज्यों के बीच का संबंध का वर्णन अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक में किया गया है। इसमें दो संस्थाएं हैं, एक है विधायी संबंध, दो संबंध है, तो एक है विधायी संबंध, तो विधायी संबंध का वर्णन अनुच्छेद 245 से 255 के बीच, जबकि प्रशासनिक संबंध का वर्णन 256 से लेकर 263 के बीच किया गया है। ये था संघ राज्यों के बीच, संघ और उस राज्यों के बीच का जो संबंध है उसके अकॉर्डिंग जो संस्थाएँ हैं उसके बारे में। ठीक है, तो भाग 11 में संघ एवं उसके राज्यों के बीच का संबंध, जैसे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, तो विधायी संबंध का वर्णन अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक संबंध का वर्णन अनुच्छेद 256 से 263। अब देखते हैं भाग 12 में, भाग 12 में क्या कहा गया, तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद के बारे में वर्णन किया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 264 से लेकर 301 के अकॉर्डिंग किया गया है, यानी 264 से लेकर अनुच्छेद 301 तक वर्णन किया गया वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट वित्त आता है, वित्त का वर्णन किया गया है दो अनुच्छेद 264 से लेकर 291 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद ऋण लेना, ऋण लेने की जो बात आती है इसका वर्णन अनुच्छेद 292 से लेकर 293 के बीच किया गया है। उसके बाद संपत्ति, संविदाएं, अधिकार और दायित्व एवं
दायित्व बाध्यताएं एवं वाद, यानी संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व बाध्यताएं एवं वाद जो संबंधित जो बातें हैं, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 294 से 300 में। और संपत्ति का अधिकार को जो भाग 12 में रखा गया था, संपत्ति के अधिकार को रखा गया था अनुच्छेद 301 के अकॉर्डिंग, या अनुच्छेद 301 के अकॉर्डिंग इसे रखा गया था, जिसको वर्तमान में हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हमारे भारतीय संविधान से बिल्कुल हटा दिया गया, और अब ये जो अनुच्छेद 300 ए या 300 क है, इसके जगह पे संपत्ति के अधिकार के जगह पे आ गया कानूनी का अधिकार, यानी कानूनी विधि। ठीक है, विधि का कानून यहाँ पे आ गया, यानी विधि का अधिकार यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग हुआ था, संपत्ति अधिकार को हटाने का प्रावधान। और उसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद 300 ए के जगह, अनुच्छेद 300 ए में ही संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा करके ये क्या किया गया, इसको कानून के अधिकार बना दिया गया। तो ये देखा हमने भाग 12। भाग 13 में क्या वर्णन किया गया है इसको देखते हैं। भाग 13 में भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की जो व्यवस्थाएं हैं उसे रखा गया भाग 13 में। जबकि अनुच्छेद की बात करें इसका, तो अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक में वर्णन किया गया इसका, किसका, भारत के राज क्षेत्र के भीतर क्या व्यापार, वाणिज्य और समागम का जो व्यवस्था है उसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में। भाग 14 की बात करें तो इसमें संघ एवं राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं उसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें इसका, तो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के बीच में। अब संघ एवं राज्यों के बीच के जो अधीन सेवाएं हैं उसमें दो सेवाएं, एक तो जो अन्य सेवाएं होता है वो, तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक में। जबकि लोक सेवा आयोग दूसरा जो सेवा है, राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के जो बीच का जो सेवाएं हैं या अंतर्गत जाने वाले सेवाएं हैं, वो लोक सेवा आयोग भी है, तो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। जबकि भाग 14 के ए में अधिकरण संबंधी जो प्रावधान है इसका किया गया है, तो इसका जो अनुच्छेद है वो ये है 323 का ए से लेकर 323 का बी तक। ठीक है, 323 का ए से लेकर 323 का बी तक, यानी 323 का क से लेकर 323 का ख तक। उसके बाद भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है इसका उल्लेख किया गया है। निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, जिसको चुनाव भी बोलते हैं, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के क तक किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। भाग 16 में क्या किया गया है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया, जैसे कौन सा वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, एवं कुछ जो पिछड़े वर्ग है एवं आंग्ल भारतीय है उसके संबंध में कुछ उपबंध किया गया है, इसका व्यवस्था भाग 16 में किया गया है। जबकि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में किया गया। ठीक है, अगर मेरा लिखावट दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, तो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है और थोड़ा मार्कर भी ख़त्म होने वाला है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप क्या करें, मैं जो बोलता हूँ उससे आप लोग कॉपी में नोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भाग 16 में हमने ये देखा कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक वर्णन किया गया है कुछ जो विशेष जो समुदाय के लोग हैं, जैसे अनुसूचित जातियों के बारे में, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़े लोग होता है वो, आंग्ल भारतीय, उसके संबंध में कुछ प्रावधान किया गया, यानी उपबंध किया गया, व्यवस्था किया गया। भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में क्या है, राजभाषा, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, राजभाषा को इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में। अब राजभाषा में बहुत सारा भाषा, एक होता संघ की भाषा, तो इसका वर्णन किया गया है 343 से लेकर 44 तक में। उसके बाद एक होता प्रादेशिक भाषा, इसका वर्णन 345 से लेकर 347 के बीच में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो अपनी जो भाषा है उसके भाषा का वर्णन अनुच्छेद 348 से लेकर क्या, अनुच्छेद 348 से लेकर अनुच्छेद 349 तक। उसके बाद कुछ विशेष निर्देश,
उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 50 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, नोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए भाग 18 में आपात संबंधी जो उपबंद है उसका वर्णन किया गया है। भाग 18 में क्या आपात संबंधी, ये जो इमरजेंसी परिस्थिति हमारे देश में लागू होता है, आपातकालीन स्थिति, तो उसका उपबंध भाग 18 में किया गया है और अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 के बीच में। उसके बाद प्रकीर्ण यानी जिसको मिसलेनियस बोलते हैं, प्रकीर्ण का व्यवस्था किया गया भाग 19 में अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 के बीच में। उसके बाद हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान संशोधन यानी संविधान में संशोधन करने का जो प्रक्रिया है उसको भाग 20 में रखा गया है, भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में, ठीक है। तो स्पेशली संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में व्याख्या संविधान के भाग 20 में किया गया है अनुच्छेद 368 में। उसके बाद अस्थाई परिवर्तित एवं विशेष उपबंध के बारे में वर्णन अनुच्छेद ये भाग 21 में किया गया है अनुच्छेद 369 से लेकर 392 के बीच में। उसके बाद लास्ट हमारा भाग आता है 22वां भाग। 22वां भाग में वर्णन किया गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक नाम एवं हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ है और उसका जो निरसन है इसका उपबंध किया गया है भाग 22 में और फाइनली अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक में, अनुच्छेद 395 तक में। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ। तो इसमें हम लोग देखा संविधान के कौन से भाग में क्या क्या उपबंध दिया गया है और उसको अनुच्छेद कितना में रखा गया, ये हम लोगों ने देखा। आप लोग इसे चार्ट में अगर संयोजित करके जिस रूप में आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं उस रूप में इसे चिपकाएंगे आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। तो आगे का जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का जो अनुसूची है वो देखेंगे, उसके बाद एक एक अनुच्छेद को भी देखेंगे। इसमें जो अनुच्छेद देखें वो हम लोग एक मोटा मोटी तौर पे अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद के बारे में स्पेशल वीडियो आएगा, संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान की अनुसूची के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद संविधान में जो अनुच्छेद है उसको भी कि अनुच्छेद 1 में क्या 2 में क्या, तो ये तो हम लोगों ने देखा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग अनुच्छेद के ऊपर भी अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग अनुच्छेद के बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बताइए कैसा लगा हमारा आज का क्लास। फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, पूरे एजुकेशन से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।